किसी यात्रा संपन्न और शुरू होती है, इसके बारे में विशेष तौर पर हमारे इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी खन्ना की जो के द्वारा ये रथ यात्रा शुरू होती है, तो मैं आप सब भाईजानों का स्वागत अभिनंदन और बहुत नेहरू जी ये हमारे संस्था के प्रचार सचिव हैं, हरीश गुप्ता जी और राजकुमार जी मैनो, तो जो भी सेवाएं इनकी होती हैं तो ये अपना अपना पूरा फर्ज निभाते हैं। आज भी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है हमारे शहर में, जो कुछ दिनों से बाद 22 जून को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, मैं थोड़ा सा आपको रथ यात्रा कैसे स्टार्ट हुई इस कौन में और इसका क्या महत्व है। भगवान की भक्ति में उनका बड़ा प्रेम था, और कोई जानता नहीं था उनको, विदेश में कोई मित्र नहीं था, लेकिन किसका सहारा था, केवल कृष्ण के, भगवान के ऊपर। कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य इस कौन में है। जगन्नाथ पुरी का तो जगन्नाथ श्री प्रभुपाद ऐसी भक्ति होते हैं, स्वयं प्रभुपाद किंग इसके इंसान कौन किंचन प्रभु किंचन प्रिया प्रभु जो हमारे निर्देशक हैं रथ यात्रा के चंडीगढ़ से विश्व भक्त हैं, वो आपका कुछ कैसे ये रथ यात्रा जो है श्री प्रभुपाद जो इस कौन के संस्थापक आचार्य हैं उनकी कृपा से। प्रभु आज की जो बैठक रखी गई है क्या है रथ यात्रा का, कब निकल रही है, क्या है इसके बारे में? हाँ, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 22 जून को शुरू होगी सब्जी मंडी से, और जैसे हम लोग रोड पर जो सब्जी मंडी है वहाँ से शुरू होगी, और 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है, और इसमें खास तौर पर पंडित रामचंद्र शर्मा जिम्पा जी जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर में आके वो शिरकत कर रहे हैं, यहाँ के लोकल MLA जो हैं वो भी साथ में होंगे, और ये शहर के जैसे कि जुड़े भी समय होती हुई ये संबंध होगी समाधि होकर नौरता नगर में, और बहुत सारे भक्त वृंदावन से कुरुक्षेत्र से मायापुर से दिल्ली से लुधियाना से चंडीगढ़ से भक्त आ रहे हैं, जो खूब इस मिशन की दम चढ़ेगी सर। और किनवी यात्रा है यदि है 1 बजे दोपहर को 1 बजे किनवी यात्रा निकल रही है, किनवी यात्रा निकल रही है 7 मिनट। सर ये यात्रा जो निकल रही है क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आने वाले 22 तारीख दिन वीरवार को खन्ना में 7वीं रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है जा रहा है इस्कॉन चंडीगढ़ एवं इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी खन्ना के द्वारा, जिसमें देश विदेश से भक्त आएंगे, इसमें भारत में भी अलग जो है शहरों से जैसे वृंदावन से कुरुक्षेत्र से और उड़ीसा से मायापुर से दिल्ली से लुधियाना से और पटियाला से चंडीगढ़ पंचकूला सब जगह से भक्त लोग आएंगे, तो सभी भक्तों को ये अवसर मिलता है कि भक्तों के संग में हरिनाम संकीर्तन करके वो इस दिव्य आनंद की अनुभूति का जो है अनुभव करेंगे, और जिससे कि उसे अपने जीवन में भी बना करके अपने जीवन को आनंद में बना पाएंगे। ये विशेषता है रथ यात्रा का, और शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी से आते जब नगर आदि के नाम सर्वत्र प्रचार होते मोरना, जैसे पहले से ही चैतन्य महाप्रभु ने इसकी भविष्यवाणी की है, पूरे विश्व के अंदर उनके दिव्य नामों का प्रचार प्रसार होगा। इस रथ यात्रा के माध्यम से श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो इस कौन के संस्थापक आचार्य हैं उनकी कृपा से, वह शिशुनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हमारे इस कौन के यहाँ पे गवर्निंग बॉडी कमीशन भी हैं, तो उनकी कृपा से उनकी प्रेरणा से इस रथ यात्रा का आयोजन करना शहर में किया जाता है। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस रथ यात्रा के अवसर पर पहुँचें और भक्तों के संग में हरिनाम संकीर्तन करते हुए भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त। ये यात्रा यात्रा खन्ना के अलावा और किन किन शहरों में ये यात्रा का, ये रथ यात्रा जैसे बताया जा रहा है कि भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में इसका आयोजन किया जाता है,
20 तारीख को इसका आयोजन लुधियाना में भी है, 22 को आपके खन्ना में है, 24 और 25 तारीख को, 24 को चंडीगढ़ में है, 25 को पंचकुला में है, तत्पश्चात 28 तारीख को पटियाला में भी है और कुरुक्षेत्र में भी है 22 तारीख। तो 30 तारीख को मंडी गोविंदगढ़ आपके पास में है, यहाँ भी इस तरह से अलग अलग किया जा रहा है। इसके अलावा और भी दिल्ली में, गाजियाबाद में, होशियारपुर और भी जो बड़े शहर हैं, अलग अलग केंद्रों के द्वारा वहाँ पे रथयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये इसकी परमिशन जो है लोकल DC जो है नहीं, हमारी तरफ से सब रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे क्या कि भक्तों का उत्साह है और जैसे हमारे यहाँ खन्ना में इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी है, तो उनकी इच्छा रहती है कि पूरे शहर पे भगवान की कृपा मिले, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिले, तो उसको भाव में रखते हुए इन रथ यात्राओं के दिवस जो है इस्कॉन चंडीगढ़ के निर्देशन में तिथि जो है नियत की जाती है। और इस रथ यात्रा को विधिपूर्वक जिसमें लोकल प्रशासन की भी विधिवत परमिशन ली जाती है, उनका सहयोग लिया जाता है, चाहे पुलिस प्रशासन है और भी जो प्रशासन जो कार्य है उन सब के सहयोग से इस रथ यात्रा। इसका कोई समय फिक्स होता है यात्रा का? समय जगन्नाथ जी के ऊपर है, स्टार्टिंग का समय है 1 बजे और जब रथ यात्रा चलती है तो भक्तों का उत्साह रास्ते में रथ रुकता भी है, जहाँ अलग अलग जगह पे लोग उनका स्वागत करते हैं, रथ यात्रा का दर्शन करते हैं, रथ पे चलते हैं और अपनी जो 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 भी उनकी भेंट है वहाँ को ऑफर करते हैं। ये अवसर है कि जब जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर होते हैं तो वहाँ देखते लक्ष्मी, जैसे प्रवीण बताया लक्ष्मी जी स्वयं पूजन करती हैं और बाहर की कोई वस्तु वहाँ को ऑफर नहीं की जाती, लेकिन रथ यात्रा एक ऐसा अवसर है जिसमें अपने घर में माताएं जो हैं शुद्धता से कुछ भी पकवान बना करके, चाहे खीर है, खीर चाहे वो खिचड़ी है, कोई भी आइटम जो है व्यंजन बना करके शुद्धता से बिना प्याज लहसुन के बना करके भगवान को वो जो है वहाँ भोग लगा सकते हैं। ये अवसर रथ यात्रा के दौरान लोग पूरे रास्ते में भोग लगाते हैं, छप्पन भोग भोग लगता है और स्वागत करते हैं, लोगों को भंडारा लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, ये विशेषता है। तो उसके अंत जो है हमारी तरफ से निश्चित रहता है कि 8:30 तक हो जाएगा, प्रयास रहता है, लेकिन कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि इतने बजे करना ही करना है।